मैं सुदेश वर्मा जी, फिर आम आदमी पार्टी की चर्चा होगी क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ। मैंने उस पार्टी से रिजाइन किया और क्या नाम है? सुदेश वर्मा जी। और बाबा जी आपसे भी मिल चुके हैं हरिद्वार में, वैदिक जी और राजपूत जी के साथ भी हम लोग मूवमेंट चला चुके हैं। मेरा प्रश्न उससे लेके है, देखिए जब जेपी आंदोलन हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट, तो वहाँ से बहुत से कास्टिस्ट लीडर इमर्ज हुए। बीपी सिंह का आंदोलन हुआ, एंटी करप्शन था ये भी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से कास्ट और रिलीजन ने आत्मसात कर लिया उस मूवमेंट। अरविंद केजरीवाल की बात करें, जब इंटरनल मीटिंग होती थी बाबा जी, तो वहाँ होता था कि लोग बोलते थे, नहीं कुछ लोग थे जो बोलते थे कास्ट को एसिमिलेट करो, कास्ट इंडियन रियलिटी है, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद वहाँ लीडरशिप बोलती थी अरविंद केजरीवाल की और बाकी लोगों की कि नहीं, लोग हमारे साथ एंटी करप्शन पर आए हैं, कास्ट की बात मत करो। और वही लोग आज कोई सलीम बन के वोट मांग रहा है, कोई कृष्ण बन के वोट मांग रहा है, कोई जाति को पूरा आत्मसात कर लिया है। तो क्या इस कंट्री में, क्या हमारा कास्ट और धर्म इतना ज़्यादा जकड़े हुए है कि हम कभी भी एंटी करप्शन, रियल एंटी करप्शन मूवमेंट नहीं देख पाएंगे? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, मोदी का चुनाव जो होने वाला है ना इस देश में, ये इन सारी पारंपरिक मान्यताओं को धो देगा। सब कास्ट और मजहब सब बोगस हो जाएंगे। अभी आप रोज अपनी सभाओं में भी इस बात को कह रहे हैं भाई, और लोग उसका सब समर्थन कर रहे हैं कि जाति के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, वोट और शराब के नाम पर नहीं, देश के नाम पर आप वोट करो। सब लोग उससे सहमत हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या होगी। मैंने कहा, ये जितने भी जाति के ठेकेदार हैं, मजहबों के ठेकेदार हैं, इन सबको ठिकाने लगाओ, इन्होंने किया क्या है देश के लिए। तो विचार धीरे धीरे बदलता है, एक बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया है ये, लेकिन उसकी शुरुआत